हेलो गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आई एम राहुल, वेलकम टू आवर चैनल इंक प्लेजर टैटू। सो गाइस, आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल होने वाली है मेरे उन भाइयों के लिए जो टैटू कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से टैटू कर रहे हैं एंड अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं टू नेक्स्ट लेवल। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है सिंपल सा टॉपिक है, आज हम टैटू मशीन्स के ऊपर ही एक बात करने वाले हैं। मैं आज आपके लिए एक स्पेशल टैटू मशीन लेके आया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले वो जान लो। हमारी इंडस्ट्री में 3 टाइप ऑफ मशीन वर्क कर रही है बेसिकली। एक है कॉयल मशीन, दूसरा है रोटरी मशीन, तीसरा है पेन रोटरी मशीन। बेसिकली मैंने भी जैसे स्टार्ट किया था अपनी लाइफ के जर्नी टैटू इंडस्ट्री में, मैंने स्टार्ट किया तो कॉयल से किया था एंड मैं रिकमेंड करूँगा कि हाँ, हमें कॉयल से ही स्टार्ट करना चाहिए। एंड जिस मशीन से मैंने अपनी जर्नी पूरी कंप्लीट करी है, कॉयल टू रोटरी, तो कॉयल मशीन का जो पार्ट है वो हमारे इंक प्लेजर साइट पे सेल भी हो रहा है एंड डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली हम अभी कॉयल मशीन की बात नहीं कर रहे हैं एंड मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। देन फिर मैंने स्टार्ट किया, रोटरी पे शिफ्ट हुआ था। सो मेरी जो फर्स्ट रोटरी मशीन थी ये बिशप कंपनी की, ये मशीन मैंने बाय किया था। तो मैंने सोचा कि चलो यार, अब अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो मैंने ये उस टाइम कुछ 30,000 रुपीज़ के आसपास की मैंने बाई की थी। तो इस पर मैं शिफ्ट जब हुआ तो यस, इम्प्रूवमेंट आया था मेरे वर्क में, बट जिस लेवल पे मैं सोच रहा था उस लेवल तक नहीं आ पाया। नीडल्स थोड़ी सी बबलिंग मारती थी जस्ट बिकॉज इसमें कोई गिव की सेटिंग नहीं है, इसमें एक ही सेटिंग है कि अगर स्लो एंड फास्ट करके। देन फिर उसके आफ्टर सम टाइम फिर मैंने एक और मशीन बाय किया, स्टिग्मा हाइपर V3 एंड वो मशीन ये थी, स्टिग्मा हाइपर V3। तो इस मशीन का क्या है कि मेरे को बहुत मज़ा आने लगा इस मशीन से वर्क करने में एंड जो लाइनिंग थी, क्रिस्प लाइनिंग मिलने स्टार्ट होगी, फीलिंग बहुत अमेजिंग होती थी, स्मूथ शेडिंग भी, अच्छी खासी शेडिंग भी आ जाती थी इसमें। तो मेरे चैनल पे जो वीडियोस थे ज़्यादातर इसी मशीन से आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बाद क्या रही है, मैंने कुछ 45,000 के आसपास की मैंने ली थी स्टिग्मा के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ठीक था, सब कुछ सही था। अब बात आती कि जब हमने एक जर्नी स्टार्ट करी कि हम अपनी फैमिली को एक अच्छी सी मशीन्स प्रोवाइड करनी स्टार्ट कर देंगे, तो यस, मैंने कई कंपनी से टाई अप वगैरह भी किया, उन्होंने कुछ सैंपल्स वगैरह भेजे थे। तो उन्होंने एक भेजा था मेरे पर, रोटरी के भी सैंपल्स आए थे एंड फिर मेरे पास एक पेन मशीन के सैंपल आए थे। देन फिर उसको मैंने अप्रूव भी किया एंड उस टैटू मशीन से जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ये है। इससे मैंने अभी लास्ट मैंने चैनल पे एक चेस्ट पे विंग टैटू किया था, तो मैंने अपलोड भी किया है, आप उस टैटू की क्लिप जो है मैं यहाँ कहीं चला दूंगा तो वहाँ पे आप देख लेना इसके इस पर्टिकुलर मशीन से रिजल्ट। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस मशीन ने जो मेरे को एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन दिया है, जिस हिसाब से मेरे हैंड मूवमेंट होने चाहिए, जिस हिसाब से मेरे को रिजल्ट मिलने चाहिए, एक बटरी सॉफ्ट शेड्स मिलने चाहिए, एक वन टाइम पे भी जो अच्छी खासी फीलिंग्स मिलनी चाहिए वो मेरे को इसमें मिल रहा है। अच्छा है, मेरे को एक मेरे आर्ट वर्क को एंड इस मशीन वर्क को दोनों का एक सिंक्रोनाइजेशन था, वो बहुत अच्छे से इसने पर्टिकुलर दिया है। तो मैंने इसको अप्रूव कर दिया एंड ये हमारी इंक प्लेजर फैमिली के लिए सेलिंग भी अप्रूव हो जाएगी 1 जनवरी से। तो आप इसको 1 जनवरी से बाय भी कर सकते हैं एंड फर्स्ट वो इसकी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, देन आप देख लेना ये मशीन क्या है, कैसे है, तो उसी में हम बात करेंगे फिर आगे। सो बॉक्स हमारे पास है एंड चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड अनबॉक्सिंग करते ही हमारे पास जो फर्स्ट इंप्रेशन जो आता है इसका, वो है एक फॉर्म शीट जो कि मशीन के प्रोडक्शन के लिए है, जो काफ़ी ट्रैवल में कोई मशीन को कोई हार्म ना हो जाए। एंड हमारे सामने ये मशीन एंड इसका ये क्लिप कॉर्ड। अगर मैं इसके डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो नॉर्मली अगर आपने मशीन्स देखी होगी तो स्ट्रेट होती है बिल्कुल ही, ये बिल्कुल ही स्ट्रेट होती है। यहाँ पे देखो इस एरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल अपना आप ये एडजस्ट कर सकते हो क्लिप कॉर्ड कवर को मशीन के साथ, यहाँ पे अपना आराम से एडजस्ट हो जाएगा। देन फिर यहाँ पर एक बैंड है, यहाँ पे ये बैंड आपके इसलिए है क्योंकि ये आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है ये आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा एंड मशीन को 90 डिग्री आपके लाइनिंग के लिए प्रॉपर हेल्प करेगा। तो फर्स्ट मैं आपको मशीन की सेटिंग भी करके दिखा दूंगा कि मशीन सेटअप कैसे करना है, इसको वर्क कैसे करना है। तो बेसिकली वर्क्स आपके पास जब भी आए तो एक मैं चाहता हूँ छोटी से छोटी डिटेल आपसे शेयर कर दी जाए। तो मशीन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक क्लिप कॉर्ड को ये ओपन करना होगा। ओपन करते ही ये क्लिप कॉर्ड जो है ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये RCA कॉर्ड है,
ये RCA है, एक यूनिवर्सल मशीन के कनेक्शन के लिए यूज़ होता है और ये हर एक पावर सप्लाई में ये सूटेबल रहता है। तो RCA कॉर्ड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लिप कॉर्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है एंड एक नॉर्मल पावर सप्लाई में मैं यूज़ करके देख लेते हैं तो इसका इंप्रेशन क्या है, हमें क्या देखने को मिलता है। तो नॉर्मल हमने ऑन किया तो मशीन देख जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही साइलेंट है। इवन अगर आप इसको अपने माइक के पास लेके जाऊं तो आपको इसकी हो सकता है आपको नॉइज़ सुनाई दे। तो काफ़ी साइलेंट मशीन है, बिल्कुल नॉइज़ फ्री है। तो अब मशीन की देखो, पेन मशीन का एक होता है जैसे वर्क करने के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, कैसे इसको करना होता है, कैसे इसके ऊपर रैप्स वगैरह चलाना होता है। एंड सबसे मेन थिंग ये है कि इस मशीन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने सुना हो शेनी की, जैसे मशीन अगर काफ़ी भाइयों को पता होगा कि शेनी की मशीन के बारे में, तो यहाँ पर जो एक क्लिकिंग साउंड आता है जो कि ये नीडल सेटिंग के लिए, एक मैं आपको दिखाता हूँ एक क्लिकिंग साउंड अगर आप सुन पा रहे हैं। नॉर्मली एक हाई क्वालिटी मशीन की एक पहचान है। तो हम जान लेते हैं इस मशीन को अपने वर्क स्टेशन के लिए हम कैसे रेडी करें इसको, मतलब कैसे प्रिपेयर करें अपने टैटू वर्क स्टेशन के लिए। एंड इसके बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं साथ साथ मैं आपको देता जाऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रेडी करने के लिए हमें एक अपने क्लिप कॉर्ड के कवर को इसको वियर कराना होगा, एक एंड से इसके क्लिप कॉर्ड कवर को डालना है। ये इसलिए क्लिप कॉर्ड कवर इसलिए होता है कॉर्ड की प्रोटेक्शन के लिए, जैसे यहाँ पे आपकी अब टैटू कर रहे हो तो कॉर्ड ज़मीन वगैरह पे लगता है तो उसमें डस्ट एंड ऑल ये सब लगते रहते हैं, तो उस चीज़ से आपको एक हाइजीन प्रोवाइड करता है। जैसे टैटू अगर आप करोगे तो उसमें आपको टैटू को कम इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए ये क्लिप कॉर्ड कवर का यूज़ करना हमें नेसेसरी रहता है। ठीक है, तो इसके क्लिप कॉर्ड कवर के बाद आपको नॉर्मली इसको एक प्लग इन कर देना है, इस RCA कॉर्ड को मशीन से प्लग इन करने के बाद इसको क्लिप कॉर्ड को इसके इस एरिए तक आपको इस एरिए तक आपको वियर कर देना है, इस एरिए तक को वियर करने के लिए। देन फिर यहाँ पे हमें एक मशीन का रैप ब्लैक कलर का ये भी प्रोवाइड होगा, तो ये आपको नॉर्मली वियर कर देना है। कहाँ तक आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये करना है, इस ब्लैक मार्क तक, ताकि नीडल की आपको लेंथ को कम छोटा करने के लिए ये यूज़ में रहे। तो हम इसको यहाँ तक इसको अच्छे से वियर कर देंगे। इसको यहाँ तक अच्छे से वियर करने के बाद तो यहाँ तक वियर करने के बाद यहाँ से नॉर्मली कट करना है एंड फिर एक न्यू रैप स्टार्ट करना है इसके नेक्स्ट एंड के लिए। यहाँ से एक न्यू स्टार्ट करना है यहाँ के लिए। दैट्स इट, बस इतना सही है। एंड इस मशीन की अगर मैं एक प्लस पॉइंट, एक पेन मशीन की अगर मैं एक प्लस पॉइंट की मैं बात करूँ तो वो ये है, ये है हमारी नीडल। ठीक है, गैस मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, ये लगाया मैंने, दैट्स इट, गुड टू गो। लाइनिंग के लिए मैं अपना टैटू करूँगा, नॉर्मली एक लाइनिंग के लिए मैं अपना टैटू करूँगा। ठीक है, एंड फिर सडनली मेरे को लाइनिंग के बाद मेरे को फिलिंग करनी है, मेरे को नीडल चेंज करना है, तो मेरे को देखो ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने क्लिप आउट किया, मैंने मैग्नम नीडल लगाया, इसको क्लिप इन किया, दैट्स इट, मैं गुड टू गो। इवन मैं मशीन भी चला के दिखा दूँ तो अगर आप साउंड सुनो तो मैं यहाँ पे इसको माइक को रख देता हूँ ताकि इसकी आपको एक स्मूथ सी साउंड आप सुन पाओ। वैसे इतने दूर से तो आपको आवाज़ भी नहीं आएगी अगर मैं इसके यहाँ पे रखूँगा तो। इसको साउंड के लिए आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो अब जैसे मैग्नम नीडल मैं यूज़ कर रहा हूँ तो अपना नॉर्मली यहाँ पे मैंने काम किया, मेरा काम हुआ डन, मैंने विद इन अ माइक्रो सेकेंड मैंने अपना नीडल चेंज किया एंड मैं गुड टू गो फॉर लाइनिंग अगेन। तो ये है। एंड इसमें अगर मैं मशीन की सेटिंग दिखाऊँ तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो इसकी नीडल की जो लेंथ है यहाँ पे दिख रही हो,
तो यहाँ से जैसे मैं ये रोटेट कर रहा हूँ एंड यहाँ से ये बढ़ रहा है एंड रोटेट आउट कर रहा हूँ तो यहाँ से कम हो रहा है। तो मैंने ये बीच का गैप, एक्चुअली मैं ये भी बता देता हूँ मैंने क्यों छुड़वाया। जैसे कि कभी कभार होता है कि नीडल हमें कुछ ज़्यादा टिप से बाहर चाहिए होता है, मैं तो नॉर्मली 3 to 4 mm के बीच में वर्क करता हूँ। कई होते हैं जो 2 mm में वर्क करते हैं, कोई 4 mm में वर्क करते हैं, तो उनको कभी कभार होता है कि फिलिंग करना है तो लेंथ इन करना है, लेंथ आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इजीली इसको मैं ऑपरेट करके लेंथ इन और लेंथ आउट कर पा रहा हूँ। मतलब मेरे को कोई ज़्यादा स्क्रूइंग नहीं करना, बहुत इजी टू हैंडल है ये मशीन। मेरे को बिल्कुल भी लोड नहीं लग रहा है। अगर कॉयल मशीन या रोटरी मशीन होता तो ये मेरे को इस साइड पुश करता, इस साइड, क्योंकि यहाँ पे वेट आ जाता है, इस पर्टिकुलर एरिया में वेट आ जाता है काफ़ी, तो वो मेरे को इस तरफ करता तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा पेन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सारा वेट ही हमारा इस तरफ है, तो हम अपने वर्क पे डायरेक्टली कॉन्सनट्रेट कर सकते हैं। देन एक और मोशन आता है जिसमें हमारी ये एल्बोज मूव करती हैं, एल्बोज मूव करती है, जिसमें आपकी एक ग्रेडिंग करते हो या कलर पैकिंग करते हो, तो इसमें आपका ये मोशन आ जाता है। तो इस मोशन में भी काफ़ी हेल्पफुल है। स्ट्रेट मशीन भी मैंने यूज़ किया था, बट उसमें कोई तो मेरे को पतली लग रही थी या कोई मोटी लग रही थी या स्ट्रेट लग रही थी, बट उसमें मेरा हाथ जो होते हैं ना वो आ जाके लॉक नहीं हो रहा था। एक लॉक पोस्चर जो है वो मेरे को इस मशीन में देखने को मिला। दैट्स व्हाई मैंने ये अपने फैमिली के लिए, मैंने मतलब आगे सेल के लिए मैंने सोचा, एंड ये मशीन मैं भी अब यूज़ करूँगा आज से। आज की जितनी भी वीडियोज़ हैं मेरी, अब जो भी देखोगे हमारे चैनल पर, वो मेरी इसी मशीन से अब डलती हुई आपको दिखाई देंगी। सो इस मशीन का जो हमने प्राइस रखा है वो है 25,000 rupees, एंड इस मशीन के साथ हम अपने इंक प्लेजर फैमिली को हम 10 नीडल्स का पैक हम उनको देंगे, जिसमें एक बॉक्स में 10 नीडल्स आएंगी एंड एक मशीन रैप एंड 5 pieces क्लिप कॉर्ड रैप। ये आपको पूरा प्रोवाइड एक सेटअप मिलेगा। मशीन में सिल्वर एंड ब्लैक कलर के पीसीज अवेलेबल हैं। ऑर्डर बुक करने के लिए सिर्फ 2 points का आपको ध्यान रखना है कि ये इस मशीन के बारे में मैंने छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी है, एंड मैं अपनी सेल टीम का नंबर है यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एंड सेल टीम से जाके इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में बार बार उन्हीं से ये चीज़ ना पूछे कि इस वीडियो में क्या है, मशीन में क्या है। इस अगर आपको करना है, इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से पूरा देखें, इसकी डिटेल समझ लें, देन वहाँ पर जाके आप अपना ऑर्डर दे लें। एंड हमारे पास ऑर्डर बुक करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी है, वो कैश ऑन डिलीवरी की भी अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी में आपको 500 rupees का एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना होता है, वो इसलिए क्योंकि वो डिलीवरी कंपनी का चार्ज है, कैश ऑन डिलीवरी चार्जेस है। हम वो 500 rupees इसलिए हम एडवांस में लेते हैं, अगर आपने ऑर्डर बुक कर लिया एंड सडनली वो आपने कैंसिल कर दिया तो चार्जबैक जो है वो हमारा ही लग जाता है। इसलिए हम फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस 500 rupees हम एडवांस में पे करते हैं, आपका कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर बुक हो जाएगा। सर्विस ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। तो ये सारे सब समझने के बाद मैं अपने स्किल टीम का नंबर यहाँ पे मैं फ्लैश कर देता हूँ, वहाँ पे जाना है आपको, एंड उनके व्हाट्सएप पे आपको अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और आपका पूरा नाम, एड्रेस पिन कोड के साथ होना चाहिए, ये प्रोवाइड कर देना है, एंड 500 rupees का आपको पेमेंट कर देना है। आप फ़ोनपे से कम्फर्टेबल है फ़ोनपे कर दो, गूगल पे से करना है गूगल पे कर दो, या पेटीएम से करना है पेटीएम से कर दो। ये करने के बाद हमारी टीम आपको विद इन हाफ आवर या 1 hour आपको आपके प्रोडक्ट की पैक्ड इमेज एंड आपको ट्रैकिंग आईडी आपको प्रोवाइड कर देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करो, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करो, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सो दिस वाज राहुल गुप्ता साइनिंग आउट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।